हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन चाओ रिएक्शंस। मेरा नाम है राज और आज मैं देखने वाला हूँ आयमा के टिकटॉक वीडियोस और उसके इमीडिएटली बाद वील गो थ्रू हर इंस्टाग्राम प्रोफाइल। तो लेट्स चेक इट आउट। शी इज लिटरली शाइनिंग हियर। क्या परफेक्ट ड्रेस चूज किया। बस तो मलंग चकी तई डाडा दिल तंग चकी तई दे दे तू प्यार में को यार मेरा सोना सोना माही मेरा सोना सोना प्यार मेरा। मुझे अभी भी याद है इस सॉन्ग पे रिएक्ट किया था मैंने। तुम्हें आंखों में बसाया तुम्हें दिल ये मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। अच्छा कोई फोटो शूट चल रहा है लेकिन मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो शोल्डर ये नीचे करेगी। मुझे भी बोनिंग पसंद है। नो वे ओह दैट इज क्रीजी। गेस हु आई एम विद राइट नाउ। मोमिना मी। सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट डेफिनेटली व्हेनेवर इट एयर्स। आई लव योर हेयर कलर मैन। Thanks, man. I like yours. Ticket ne jana below the gar, asa te jana below the gar. Ticket ticket towel and banao, ticket ticket towel and banao. मुझे वो सॉन्ग भी बहुत पसंद है बिल्लो देना बिल्लो। अच्छा सना जावेद और नाइस अदनान सिद्दीकी। वाह अगर हम दोनों गिरे तो ये सब है। अभी ये क्या कॉन्सर्ट है। सुने आयमा ये आपने गाना क्यों गाया है। आपको पता है मैं आपका कौन सा गाना है जो सुबह दोपहर शाम मैं कैसे घट सकता हूँ वो भी इतनी बड़ी जा तुझे माफ किया तुझे माफ किया। थैंक यू सो मच एंड आई लव यू टू। इसमें महमूद साहब भी थे। ओके तो ये आयमा के टिकटॉक वीडियोस में मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटीज बैक टू बैक देखने मिले। तो अभी हम लोग आ चुके हैं आयमा के इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर और जैसा आप लोग देख सकते हो इनके पास है 2.4 मिलियन फॉलोअर्स विच इज क्रेजी। हम लोग ने ऑलरेडी टिकटॉक पे काफ़ी सारे वीडियोस देख लिए आयमा के तो मैं वीडियोस को स्किप करने वाला हूँ और सिर्फ उन पिक्स पर कॉन्सेंट्रेट करूँगा जो मेरा आई कैच करता। तो दिस पिक लुक्स नाइस। 53,000 लाइक्स या ये ईद का है। अच्छा ईद का फोटो है। शी इज़ लिटरली लुकिंग लाइक अ प्रिंसेस हियर और मुझे ऑलरेडी वाइट और गोल्डन का जो कॉम्बिनेशन है वो हमेशा से पसंद है। अभी आगे देखते हैं ये कौन है। मिसिंग माय साईफाई गीक शहबाज। ओके शहबाज कौन है। ओके तो अब मैं आ चुका हूँ शहबाज के इंस्टाग्राम अकाउंट पर। मैं थोड़ा सा क्यूरियस हो गया था बट अपेरेंटली ही इज ऑल्सो फेमस। ही इज एन एक्टर फिल्म मेकर साईफाई गीक। ओके इस पिक में ये दोनों काफी ज्यादा कोजी लग रहे हैं। एज ब्यूटिफुल एज द वॉटर वर्क्स वर इट्स हार्ड टू लुक एट एनीथिंग एल्स व्हेन शी इज देयर। ओके तो आई थिंक दे आर डेटिंग। मुझे कोई आइडिया नहीं था। तो ब्रेन चाओ न्यूज पर आप लोग को ब्रेकिंग न्यूज मिलता हुआ आयमा बैग हैज अ बॉयफ्रेंड। आई रिपीट आयमा हैज अ बॉयफ्रेंड। आई एम श्योर मुझे छोड़ के सबको पता होगा ये न्यूज क्योंकि ये पिक फेब्रवरी में पोस्ट हुआ था तो ये काफी ओल्ड न्यूज रहेगा। यार आयमा ने लाखों करोड़ों लड़कों का दिल तोड़ दिया। ओ और काफी सारे पिक्स है सिर्फ एक ने। दिस इज अ नाइस कपल्स पिक। नाइस काफी टाइम से दे आर कपल आई थिंक। अभी नया रिलेशनशिप नहीं लग रहा। ओके तो मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया था। मैं शहबाज के अकाउंट को चेकआउट कर रहा था इंस्टेड ऑफ आयमा। अभी लेट्स कम बैक टू आयमास अकाउंट। दिस पिक इज क्यूट। लोड हो जाएगा तो आप लोग को भी क्यूटनेस दिखेगा। तो या दिस इज वेरी क्यूट और बहुत ही नॉर्मल सा सिंपल पिक मुझे पसंद है। 70,900 लाइक्स तो आई एम श्योर आप लोग को भी ये बहुत पसंद आया। भाई ये भी पसंद आया मुझे। दिस इज अ वेरी आर्टसी लुक।
वो ग्लासेस एंड इसको क्या बोलते हैं, हेयर बैंड, आई डोंट नो, आई डोंट थिंक दिस इज हेयर बैंड, लेकिन जो भी है शी इज लुकिंग वेरी आर्टिस्टिक, आर्टसी. दिस इज ऑल्सो अ कूल पिक. या 91,000 लाइक्स. ये कहाँ का है, नॉर्दर्न पाकिस्तान का है क्या, कोई और कंट्री में चली गई थी. देयर इज नो वे टू नो, उसने लोकेशन टैग नहीं किया. ये काफ़ी प्रोफेशनल क्लिक लग रहा है, लेकिन इतना कम लाइक्स क्यों है इसको, सिर्फ 46,000. आई मीन बहुत ही अच्छे से लिया हुआ फोटोग्राफ है, एंड शी इज़ लुकिंग वेरी कूल, एंड जो क्लोदिंग है दैट इज़ ऑल्सो वेरी स्टाइलिश. आई गेस लोगों को एक पर्सनल टच पसंद है इंस्टाग्राम पे. इंस्टेड ऑफ प्रोफेशनली टेकन फोटोज लोग ज़्यादा सिंपलिस्टिक या फिर कोई भी पर्सनल टच वाला फोटोज को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है ये देख के लाइक्स को लेकर. दिस इज अ नाइस पिक, वन ऑफ माई फेवरेट पिक्स अभी तक का. शी इज लुकिंग सो क्यूट इसमें. अभी शहबाज आके मुझे मारेगा. चलो देखते हैं कि लोग कॉमेंट्स में क्या बोल रहे हैं. प्रिटीएस्ट, गॉर्जियस, स्टनिंग एंजल. आई मीन आयमा डिजर्व्स ऑल दीज कॉम्प्लीमेंट्स, शी इज वेरी प्रिटी. लेकिन आयान ने एक ही कॉमेंट में इतने ज्यादा कॉम्प्लीमेंट्स कर दिए कि मुझे थोड़ा सा हंसी आया. इसने उर्दू में क्या लिखा है मुझे नहीं पता. जैन खान बोलता है नाइस थाइस. इसमें थाइस किधर से दिख रहा है उसको, शी इज कवरिंग हर लेग्स. और कुछ पिक्स है क्या, यस. इसमें भी थाइस तो नहीं दिख रहा मुझे बिल्कुल. मैं बस इसने कमेंट किया इसके लिए देख रहा था, मुझे थाइस देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. सो मूविंग ऑन, नेक्स्ट कमेंट में. ये वही वाला पिक है क्या जो टिकटॉक वीडियो में वो शूटिंग कर रही थी, फोटो शूट के लिए गई थी. आई थिंक सो, क्योंकि ड्रेस बहुत ही सिमिलर लग रहा. गुड टाइम्स मैगजीन के कवर पे भी आई थी ये, ऑथेंटिकली आयमा. वाह, इतने कम एज में क्या क्या अचीव कर लिया इसने. वाओ, दिस पिक लुक्स अमेजिंग. जब लोड हो गया, वाओ, ये कलर बहुत सूट कर रहा है. ये वही ड्रेस है क्या जो फर्स्ट टिकटॉक वीडियो में था, वो ग्लिटर होने वाला ड्रेस. दिस लुक्स अमेजिंग. ये फोटो में शी इज लुकिंग स्टनिंग, एब्सोल्युटली स्टनिंग. मुझे अभी अभी पता चला है कि शहबाज के अकाउंट में जो कपल पिक्स थे वो सेम पिक्स एमा के अकाउंट पे भी थे, तो मैंने आप लोग का टाइम वेस्ट किया बेसिकली. ये दोनों मैं बात कर रहा हूँ. वाओ, दिस फोटो इज सिंपल, बहुत ही या कितना क्यूट फेस है. बेसिकली आयमा एक कंप्लीट पैकेज है, क्योंकि शी हैज ब्यूटी, शी हैज सिंगिंग टैलेंट, प्लस शी कैन परफॉर्म ऑन स्टेज. दैट इज लाइक बहुत ही ग्रीडी यार आयमा, सब टैलेंट खुद के पास रख रही है. टैलेंट, ब्यूटी सब चाहिए इसको. एंड शी इज जस्ट 25 ईयर्स के एज में क्या क्या अचीव कर लिया. शी हैज वन अवार्ड्स फॉर हर सिंगिंग, शी हैज बीन ऑन मैगजीन कवर्स. तो या कुछ ज्यादा ही हम सब के साथ ना इंसाफी हो रही है, इनजस्टिस हो रही है. नहीं, ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है. मैं अभी वीडियो एंड करने वाला था, लेकिन मुझे अचानक से ये वाला पिक दिख गया, एंड ये पिक को तो इंक्लूड करना ही पड़ेगा. शी इज लुकिंग अमेजिंग. हेयर का स्टाइल भी थोड़ा अलग लग रहा है, बट या शी इज स्टनिंग. मेरी यार की शादी, अच्छा वो किसी फ्रेंड की शादी में गई थी, बट इसमें हेयर स्टाइल भी अलग रखा है. एंड दिस ड्रेस इज अमेजिंग, जितनी तारीफ की जाए कम है. और एक पिक भी है, या दिस इज ऑल्सो नाइस. तो या आप लोग ने मेरा रिएक्शन तो देख लिया आयमा के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, आयमा के टिकटॉक वीडियोज पर. अब देखते हैं कि आकाश को कैसा लगा. हे गाइस, आकाश हियर. तो आज मैं बात करने वाला हूँ आयमा बैग की, जो एक सिंगर है. तो मैंने आज उनके टिकटॉक्स देखे, तो काफ़ी अच्छे हैं उनके टिकटॉक्स, और उनके टिकटॉक्स में उनका खुद का आवाज़ भी है. और ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं है, मतलब 2 minutes 31 seconds का वीडियो है, बट काफ़ी अच्छा लगा ये वीडियो उनका देख के. बट हाँ, उनके बारे में कहना चाहूँगा कि उनकी आवाज़ काफ़ी, मतलब काफ़ी सॉफ्ट है. और एक वीडियो में उनके साथ मोमिना भी है, तो दोनों एक दूसरे से कह रही है कि तुम्हारे बाल काफ़ी अच्छे हैं. तो ज़्यादा कुछ नहीं, बट उनकी आवाज़ मैंने सुनी, मुझे बहुत अच्छा लगा उनका वॉइस. पिछले हफ्ते ही मैंने वो वीडियो देखा राजे उल्फत, जिस पर मैंने रिव्यू भी दिया था. तो राजे उल्फत में एमा ने ये सिंगिंग किया हुआ है, तो उनका आवाज़ मैंने तभी, तो मैंने इतना ध्यान नहीं दिया था कि ये एमा बैग ने सिंगिंग किया, बट आज मुझे राज ने बताया कि वो एमा बैग ने सिंगिंग किया हुआ है. तो मैं बोला वो काफ़ी, मतलब अच्छा लगा. मैंने सुना फिर आज, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि एमा बैग ने सिंगिंग किया है. जितना सॉफ्ट उनका वॉइस है ना, उतने वो यार, सच बोलूँ ना तो काफ़ी ब्यूटीफुल भी है यार, सच में गॉर्जियस है एमा बैग.
तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, बाय। अगर आपको एमा को फॉलो करना है इंस्टाग्राम या टिकटॉक पे तो मैं लिंक्स डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, यू कैन क्लिक ऑन इट और एमा को जाके सपोर्ट कर सकते हो। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय।